दोस्तों ये है बजाज पल्सर 150 और आज की इस वीडियो में इसी के बारे में हम लोग पूरा विस्तार से बात करने वाले हैं। मैं आपको सारी चीज़ इसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये ट्विन डिस्क मॉडल है, यानी कि इसमें आगे और पीछे दोनों तरफ डिस्क आपको प्रोवाइड किया जाता है। और एक जो सबसे खास बात है 150 के बारे में वो ये है कि इसका एक डैगर एडिशन है जो कि 2021 में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा। तो जो डैगर एडिशन है नेक्स्ट वीडियो में हम वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो ये नॉर्मल एडिशन, नॉर्मल नहीं ट्विन डिस्क का ये पहले का एडिशन है। 2021 में भी इसके स्टॉक अभी भी आपको बहुत जगह देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप जो डैगर एडिशन अगर आप वो नहीं लेना चाहते हैं, अगर आपको यही मॉडल पसंद है तो आप इसे भी परचेस कर सकते हैं। दोनों में कुछ खास फर्क आपको नहीं देखने को मिलेगा। ग्राफिक वगैरह अगर आप बहुत प्रेफर करते हैं तो मे बी कि डैगर एडिशन आपको बेहतर लग सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो आपको अच्छी लगे, हमारी मेहनत अच्छी लगे तो करिएगा अपनी तरफ से एक लाइक, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका प्राइस आपको बता दे रहे हैं, जरा गौर से सुनिएगा कि लगभग 1,07,000 करीब 1,07,000 के करीब बजाज पल्सर 150 ट्विन डिस्क का एक्स शोरूम प्राइस चल रहा है, जो कि प्रयागराज कानपुर वाराणसी यानी कि बनारस के मतलब यूपी के आप किसी भी शहर में हैं तो आपको लगभग यही एक्स शोरूम प्राइस देखने को मिलेगी। ऑन रोड प्राइस मैं आपको बता दे रहा हूँ, गौर फरमाइएगा कि लगभग 1,25,000 से 1,28,000 यानी कि 1,25,000 टू 1,28,000 में आपको कंप्लीटली ये बाइक देखने को मिल जाएगी। इसमें आरटीओ टैक्स, इंश्योरेंस वगैरह सारा चीज इंक्लूड रहेगा। प्राइस आपके एजेंसी, आपके शोरूम, आपके लोकेशन वाइज ऊपर नीचे हो सकती है, तो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए यहाँ पे सबसे पहले फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपके 280 यानी कि 280 mm का इसमें आपको डिस्क प्रोवाइड किया जाता है और आप ABS की चैन क्लियरली देख पा रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको सिंगल चैनल ABS कंपनी प्रोवाइड करती है। ठीक ऐसी ही चैन आपको पीछे भी देखने को मिलेगी, लेकिन वो RLP पैनल होता है, उसके बारे में आपको आगे बताऊँगा। आगे वाला जो आप टायर देख रहे हैं ये 90x90 सेक्शन का है और ये 17 यानी 17 इंच का ट्यूबलेस टायर आपको मिलता है। ये फ्रंट सस्पेंशन है जो आपको टेलीस्कोपिक मिलता है, इसमें आपको 37 mm का कन्वेंशनल फॉर्क आपको देखने को मिल जाएगा। और हमेशा की तरह जो इसके साइड इंडिकेटर्स है वो आपको मस्त वाले फ्लेक्सिबल मिलते हैं। मेन जो आपको हेडलैम्प मिलता है इसमें आपको 35x35 वाट का आपको बल्ब प्रोवाइड किया जाता है। ऊपर आपको पायलट लैंप्स मिलते हैं जो कि नो डाउट कि मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, जो आगे की खूबसूरती है उसे इन्हेंस करते हैं। यहाँ पे जैसे मीटर कंसोल और इसके हैंडल बार पे शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको पासिंग स्विच, लो बीम, हाई बीम स्विच, साइड इंडिकेटर स्विच, आपको हॉर्न वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। इसके जो मिरर हैं आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे प्रीमियम क्वालिटी में प्लास्टिक वगैरह यूज़ की गई है। जो इसका मीटर कंसोल है हमेशा की तरह आपको डिजिटल प्लस एनालॉग का कॉम्बिनेशन यानी कि सेमी डिजिटल इसे हम कह सकते हैं। इसमें लगभग आपको जो इन्फॉर्मेशन पहले प्रोवाइड की जाती थी वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। इंजन मॉल फंक्शन लाइट आपको मिल ही जाती है, तो ये सारी चीज़ आप इसमें जो है देख सकते हैं, सारी चीज़ जो है यहाँ से रीड कर सकते हैं। तो मीटर कंसोल को लेकर कोई खास शिकायत नहीं है। क्लिप ऑन हैंडल बार इसमें मिलता है आपको, राइट हैंडल साइड पे आपको इंजन किल स्विच और उसके नीचे आपको पावर स्टार्ट स्विच मिल जाता है। मीटर कंसोल में कुछ रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं आपकी कि कुछ चीज़ें और इसमें प्रोवाइड करनी चाहिए, लेकिन जो पल्सर लवर हैं और पल्सर राइडर हैं उनके अकॉर्डिंग मीटर कंसोल इसका परफेक्ट है। जो इसका फ्यूल टैंक आप देख रहे हैं वो 15 यानी 15 लीटर का फ्यूल टैंक कंपनी प्रोवाइड करती है और यही चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगती है कि 15 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है तो आपको जो है सफिशियंट जो है फ्यूल फिलिंग आप करवा पाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो कोई भी आपको इसमें जो है फ्यूल गेज वगैरह नहीं मिलता है। BS6 के बाद ये अपडेट इसमें कंपनी ने दे दिया था। इंजन की मैं बात आपको बता दूँ, इसमें आपको 4-stroke 2-valve ट्विन स्पार्क इंजन देखने को मिलता है और 149.50 यानी कि लगभग 150 cc का इंजन इसमें मिल जाता है। मैक्स पावर आपको 14 यानी 14 PS की मिलती है 8500 RPM पे और जो मैक्स टॉर्क मिलता है वो लगभग 13.25 यानी 13.25 न्यूटन मीटर का मिलता है 6500 RPM पे। तो पावर और टॉर्क आप देख पा रहे होंगे कि 150 सेगमेंट के हिसाब से इसमें आपको परफेक्टली देखने को मिल जाता है। ये इसका जो एग्जॉस्ट आप देख रहे हैं ये कैटेलिटी कन्वर्टर है जो कि BS6 के अपडेट के बाद ही कंपनी ने प्रोवाइड किया था। और हॉर्न की बात मैं क्या ही करूं, पल्सर के जो हॉर्न्स होते हैं वो बहुत बढ़िया माने जाते हैं।
नीचे आपको जो है इंजन गार्ड वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। 5 गियर्स कंपनी इसमें आपको प्रोवाइड करती है, 1 डाउन एंड 4 अप का प्रोसेस इसमें चलता है। और ये साइड पैनल पे आप देखिए कार्बन फाइबर जैसा फिनिश आपको प्रोवाइड किया जाता है। और इसमें जो सीट आपको मिलती है आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि जो राइडर हैं उनके लिए खासा बहुत बढ़िया सीट मिलती है। जो इसका राइडिंग पोजिशन है, पोस्चर है, वो भी मुझे काफ़ी बेहतरीन लगता है। जो पिलियन है उनके लिए थोड़ी सी हार्ड कुशनिंग इसमें प्रोवाइड की जाती है, जो कि लगभग सभी बाइकों में यही चीज़ देखने को मिलती है। अब यहाँ पे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसका जो स्प्लिट ग्रैब रेल है ये भी काफ़ी बेहतरीन लगता है। आपको स्प्लिट ग्रैब रेल मिल जाता है और ये ओवरऑल जो बाइक है वो 150 केजी यानी 150 किलोग्राम की है। और ये इसका कर्व वेट है, जैसे आप फ्यूल भरवा देंगे तो वेट और भी बढ़ जाएगा। तो लगभग सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बताते जा रहा हूँ। पीछे आपको जो है हमेशा की तरह LED टेल लाइट प्रोवाइड की जाती है। और पीछे की प्रोफाइल की मैं क्या ही बात करूँ, जो पल्सर लवर हैं वो समझते हैं इस चीज़ को कि पल्सर कितनी अट्रैक्टिव बाइक लगती है। यहाँ पे पीछे वाला जो आपको डिस्क मिलता है इसकी साइज लगभग आपको देखने को मिलेगी 230 यानी कि 230 mm। और आप यहाँ पे भी एक चैन देख पा रहे होंगे जो कि हूबहू ABS की तरह दिख रही है, लेकिन ये RLP यानी कि रियल व्हील लिफ्ट अप प्रोटेक्शन है। अगर आप अचानक से ब्रेक वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो पिछला वाला टायर उठने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। यहाँ पे आप पीछे वाला जो टायर देख रहे हैं इसकी चौड़ाई लगभग 120x80 यानी 120x80 की रखी गई है। और ठीक आगे वाले टायर की तरह ही पीछे वाला टायर भी आपको 17 इंच का ट्यूबलेस टायर प्रोवाइड किया जाता है। ये पीछे का सस्पेंशन है जो कि आपको मिलता है ट्विन शॉक एब्जॉर्बर गैस फिल्ड विद कैनिस्टर के साथ। तो पीछे वाले सस्पेंशन और आगे वाले सस्पेंशन दोनों की बात अगर मैं बताऊं तो आप ऑफ रोडिंग करें या फिर आप अच्छी रोड पर राइड करें, आपको सस्पेंशन क्वालिटी पल्सर्स के किसी भी बाइक में अच्छी प्रोवाइड की जाती है। लगभग मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अगर डायमेंशन की थोड़ी सी बात करें तो इस बाइक की जो लेंथ है वो 2035 mm है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है ग्राउंड क्लियरेंस, लेकिन परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से दो लोग इसको राइड कर सकते हैं। अगर इसकी हाइट की मैं बात करूं तो 1115 यानी कि 1115 mm की इसकी हाइट जो है कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। तो लगभग मैंने इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी। जाते जाते मैं आपको माइलेज बता दूं तो देखिए जो ट्विन डिस्क है इसका माइलेज, कई लोग अलग अलग माइलेज क्लेम करते हैं। अगर आप सिटी राइड करते हैं और थोड़ी सी रफ राइड करते हैं तो मान के चलिए कि 45 के एबव आपको इसमें माइलेज मिल सकता है, लेकिन अगर आप बहुत रफ राइड करते हैं और एक्सीलेटर वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आप 45 तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप अनुमानता जो है इसे 45 टू 50 के बीच में ही रख के चलिएगा कि इतना ही माइलेज आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, हमें उम्मीद है कि सारे डाउट मैं क्लियर कर पाया हूंगा। अगर नहीं तो आप हमारे इंस्टाग्राम ID DavidRahulJR पे फॉलो करके हमें मैसेज वगैरह कर सकते हैं। जाते जाते एक बार मैं और आपको प्राइस बता दूं कि लगभग 1,07,000 करीब इसकी एक्सरूम प्राइस चल रही है। आपके नियरेस्ट एजेंसी और लोकेशन के हिसाब से प्राइस ऊपर नीचे वेरी कर सकती है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए फ्रेश अपडेट के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जब भी चले हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करिए। मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।